हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो नया दिन हो गया स्टार्ट और साथ ही में शुरू हो गई है ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज बन रहा था पोहा जिसमें डले थे सिर्फ आलू। मूंगफली नीर ने मना किया था तो बस हमें भी बिना मूंगफली वाला आलू वाला पोहा ही खाना था। लास्ट में डाल दिए थे थोड़े से कटे हुए प्याज और साथ ही में ऊपर से गार्निश किया था थोड़ी सी नमकीन से। नींबू इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ था। तो टिफिन बॉक्स हो गया था रेडी और नीर चला गया था स्कूल और मेरा भी टाइम हो गया था मॉर्निंग वॉक का। और आज बारिश नहीं आ रही थी तो आराम से मॉर्निंग वॉक भी हो पाई। तो अराउंड 3900 स्टेप्स करे कंप्लीट और ऑफिस निकलने से पहले बनाना था लंच और आज सोचा था बनाने की गट्टे की सब्जी। जोधपुर व्लॉग सीरीज में आपने देखा होगा हमने लिए थे चंद्रविलास नमकीन से बने बनाए गट्टे और ये सब्जी बनने वाली थी बहुत ही इंस्टेंट। सिर्फ मैंने गट्टे को कर दिया था बॉयल और साथ ही में रेडी कर दिया था एक मिक्सचर कर्ड वाला। जोधपुर से स्पेशल मसाला लिया था उसको डाला कर्ड में और इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा नमक, उसके अलावा और कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया। और एक कढ़ाई में अलग से मसाला प्रिपेयर कर दिया था सब्जी के लिए प्याज टमाटर और अदरक लहसुन यूज़ करके। और साथ ही में इसमें डाला कर्ड का मिक्सचर, अच्छे से मिक्स करके इसको बिल्कुल मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था पकने के लिए। गट्टे भी बॉयल हो गए थे तो बस उसी का पानी मैंने डाल दिया था इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए और लास्ट में डाल दिए थे बॉयल्ड गट्टे। गट्टे एकदम सॉफ्ट थे और सही में इसकी जो सब्जी बनी थी बहुत ही मज़ेदार, एकदम राजस्थानी स्टाइल स्पाइसी सी। तो सब कुछ पैक किया और मैं चल पड़ी थी ऑफिस। और कल के व्लॉग में आपके इतने सारे कमेंट्स देख के एग्जाम टाइम में बच्चे अपनी कॉपियां कैसे खो रहे हैं काफी रिलेटेबल लगा। और नीर की साइंस की कॉपी का क्या हुआ ये आपको पता चलेगा आज की व्लॉग में। गाइस अभी मैं डेंटिस्ट के पास से होके आया था, मेरी आवाज थोड़ी अलग आ रही है क्योंकि यहाँ पे कॉटन लगा है और मेरा दांत टूट गया था, नीचे से नया आ रहा था तो इसलिए नीर का यहाँ पे जो दाढ़ है वो नहीं आ रही थी नीचे से और ऊपर से उखड़ गई थी, आधी उखड़ गई थी। तो हमें लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों है, खाना खाते खाते आधा बाहर आ गया था तो अब वो चेक करवाए हैं तो वो दाढ़ निकाल के नीचे से जो आ रही थी वो अब ठीक है। ये वैसे तो आइसक्रीम खाने के लिए बोला था पर मम्मी ने मना कर दिया तो मैं खा नहीं पाया, क्या करूँ मैं, सैड। ये दिख रहा है वाइट वाइट कॉटन। जब भी मेरा दांत खराब होता है उसी दिन पता नहीं क्यों उसी दिन मम्मी पापा को कुछ अच्छा खाना होता है। अभी तो कॉटन है रे ये तो मैं कुछ कर नहीं सकता, फ़ायदा उठा रहे हैं मम्मी पापा मेरी। आज हम इसीलिए स्पेशल आए हैं क्योंकि जब भी हम हल्दीराम आते हैं ना ये हमारे दही बल्ले राज कचौड़ी सब कुछ खा लेता है, आज इसकी कॉटन लगी हुई है तो उसमें डॉक्टर ने वैसे भी मना किया हुआ है तो हम आराम से कुछ राज कचौड़ी टाइप खाएंगे, राज कचौड़ी। और हमने मंगवाई है पाव भाजी। क्या हुआ? टेंशन ना लो, आपके लिए वो ले लेंगे रस मलाई, ठीक है? रस मलाई तो अच्छी होती है, आपकी फेवरेट है, वो ले लेंगे। तो आ गई थी राज कचौड़ी जो हम दोनों की फेवरेट है और आई थिंक आप में से बहुत लोगों को ये पसंद होगी। कमेंट पे जरूर बताइएगा राज कचौड़ी आप किस आउटलेट की खाना पसंद करते हैं। टॉलरेंस भी होना चाहिए कि ये दही बल्ला दही बड़े देख के आप टॉलरेट कर रहे हो, चाहे सामने राज कचौड़ी है लेकिन आप नहीं खाओगे, मेरे को मजबूत बनाओ थोड़ा। तो राज कचौड़ी और पाव भाजी खा के हम चल पड़े थे घर। नीर के लिए पैक कराई रसमलाई, ये लो। खुश हो? मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, हाफ पीस। मेरे को और पापा को हाफ पीस राज कचौड़ी का बदला। तो गाइस मेरी साइंस की कॉपी मिल गई है और स्कूल में काफी सारी कॉपियों के बीच में दबी हुई थी। किसी और की क्लास में या आपकी खुद की क्लास में? मेरी खुद की क्लास में। तो तब क्यों नहीं दिखी मैम को, मतलब सांस में सांस आई होगी? लास्ट वीकेंड था लॉन्ग वीकेंड क्योंकि उस दिन थी जन्माष्टमी, ऑफिस स्कूल सब बंद थे और हम सीधा चले गए थे एक छोटी सी वेकेशन के लिए ग्वालियर। ग्वालियर व्लॉग सीरीज थोड़ा लेट डल रही है तो कल से आपको देखने को मिल जाएंगे ग्वालियर के व्लॉग। अभी हम आ गए हैं ताता बंदी छोर गुरुद्वारा, बहुत तेज बारिश शुरू हुई है अभी तो।
वेकेशन शॉर्ट थी, ज़्यादा दिन नहीं थे हमारे पास, लेकिन जितने भी हो सके जो भी हमारे नॉलेज में थे बढ़िया से बढ़िया स्ट्रीट फूड वो ट्राई करें और साथ ही में फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। एंड आई होप ग्वालियर व्लॉग सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगी। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।